कांग्रेस के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं गुलबर्गा सिटी के, ना नॉर्थ के एमएलए ना साउथ के एमएलए, कहीं पर भी एक कॉलेज के अंदर भी, एक इंस्टीट्यूशन के अंदर भी जा करके कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट डालने की अपील अब तक नहीं की है। गुलबर्गा सिटी के अंदर ये जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का सुशील नमोशी साहब का और गुलबर्गा के एमएलए का जो अलायंस है, ये आपका अलायंस नहीं है। गुलबर्गा सिटी के अंदर जो कांग्रेस के जो लीडरशिप है, ये हमेशा से बीजेपी के बी टीम के हैसियत से काम करती आई है और बीजेपी के लीडर्स हमेशा से जो है खमरुल इस्लाम फैमिली के साथ हमेशा जुड़ के काम किए हैं। यहाँ पर मैं साफ तौर पर ये कहना भी चाहता हूँ कि जो बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं मिस्टर सुशील जी नमोशी साहब, वो एमएलए इलेक्शन के अंदर नॉर्थ के उम्मीदवार मोहतरमा कनीस फातिमा का साथ दे चुके हैं और आज मोहतरमा कनीस फातिमा वो जो है सुशील जी नमोशी का साथ इस इलेक्शन में दे रहे हैं। साफ तौर पर, खुले तौर पर गुलबर्गा सिटी के अंदर बीजेपी की और कांग्रेस का अलायंस बड़े साफ तौर पर आईने की तरह यहां पर आवाम के सामने नजर आ रहा है। तारीख में पहली बार किसी सियासी जमात ने टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक टीचर को कैंडिडेट बनाया है। हमारा उम्मीदवार तिम्मैया पुरले ये अपने आप के, अपने जिंदगी के कैरियर के बहुत सारे साल टीचर्स के इश्यूज को लेकर के, टीचर्स के जो नौकरी करते हुए, सर्विस करते हुए उन एसोसिएशंस में काम किए हैं, 12 साल वो स्टेट के, कर्नाटका स्टेट के टीचर्स पीयू टीचर्स एसोसिएशन के सदर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े एहतजाज बेंगलुरु के अंदर फ्रीडम पार्क के अंदर 20,000 टीचर्स को लेकर के एहतजाज हुकूमत के खिलाफ उन्होंने किया है, टीचर्स की आवाज़ को बुलंद की है और उनके हक को लेने में वो कामयाब रहे हैं। 2 सक्सेसफुल इंक्रीमेंट्स, पीयू बोर्ड के टीचर्स के इंक्रीमेंट्स सक्सेसफुली दिलाने में वो कामयाब रहे। ऐसे उम्मीदवार जो टीचर्स के मसाइल को जानते हैं, वो जो खुद एक टीचर रह चुके हैं, जो बाहर रह करके टीचर्स के हक के लिए लड़ते आए हैं, ऐसे शख्स को अगर काउंसिल के अंदर रह करके हुकूमत के आंखों में आंख डाल करके जब आवाज़ उठाएगा तो सही रिप्रेजेंटेशन होगा और इंशाल्लाह उन मसाइल को, उन इश्यूज को जो है हल की तरफ पहुंचाने में कामयाब रहे। कि 28 तारीख को जो इलेक्शन होने जा रहा है, तमाम टीचर्स अपना फर्स्ट प्रिफरेंशियल वोट एक टीचर को दें। एक टीचर का वोट टीचर का हक है, उस हक को अदा करें और सही नुमाइंदों को चुने। जनता दल सेकुलर के कैंडिडेट तिम्मैया पुरले को अपना फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट दे करके उन जिनका सीरियल नंबर 1 है उनको कामयाब बनाइए। ये अपील मैं सोशल मीडिया के जरिए तमाम टीचर्स को, हैदराबाद इस नॉर्थ ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम टीचर्स को मैं अपील करता हूँ कि जनता दल सेकुलर के उम्मीदवार को कामयाब करें, जनता दल सेकुलर को कामयाब करें और अपने आवाज़ को जो है बुलंद करें। उम्मीदवार एक टीचर है, सही रिप्रेजेंटेशन होगा इस यकीन के साथ कि वो सही रिप्रेजेंटेशन करेंगे। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि तिम्मैया पुरले को कामयाब करें। आज लोग, हम लोग मेहनत कर रहे हैं हर एक स्कूल्स को और हर एक कॉलेज को विजिट करके कैंडिडेट के बारे में हम लोग टीचर्स को बता रहे हैं कि ये जो कैंडिडेट है आपके सूटेबल का कैंडिडेट है और ये बीजेपी कांग्रेस वाले जो है ये लोगों बैकग्राउंड से आए नहीं, मगर ये लोगों को कुछ पता नहीं टीचर्स का क्या तकलीफ़ चल रहा है स्टेट में। तो आज हमारे तिम्मैया पुरले जी 10 साल 12 साल जो है पीयू के जो प्रेसिडेंट थे स्टेट के, तो उस टाइम पे उन्होंने टीचर्स के लिए बहुत सारे स्ट्राइक कर चुके हैं। आज उनके सैलरी के लिए वो लोग, उन्होंने बहुत फ्रीडम पार्क में धरना बैठकर गवर्नमेंट से वो टीचर्स को सैलरी भी हाइक करने लगे तिम्मैया पुरले जी। और हम लोग आज उनके लिए मेहनत बहुत कुछ कर रहे हैं मगर हमारा कैंडिडेट जीत जाता है और जीतने के बाद में हमारे जो हैदराबाद कर्नाटक जो रीजन में जो हमारे टीचर्स जो 5 साल जो तकलीफ उठाए ये आगे उनको तकलीफ़ नहीं होगा। कांग्रेस के कैंडिडेट ने लास्ट टाइम यहाँ पे जीत कर गए थे, उन्होंने 5 साल कोई टीचर्स को रेस्पॉन्स नहीं दिए और बीजेपी के कैंडिडेट जो 18 साल उन्होंने
ये सीट पर बैठे थे उस टाइम पे भी टीचर्स के लिए कुछ फायदा हुआ नहीं। ತಿಮ್ಮಯ್ಯಪುರ್ಲೆಗೆ ಯಾಕೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಅದು ಕೆಲವಷ್ಟು ಜನರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊತ ಬಂದಂಥ ಪಕ್ಷ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ತಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾರು, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾರು, ಎರಡು ಮೂರು ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಪಕ್ಷಗಳ ತುಲನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ, 18 ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂಥವರು, 18 ವರ್ಷ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ. ಮೇಲಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ 6 ವರ್ಷ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ 6 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಇರಲಾರ್ದೇ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಪುರ್ಲೆ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಕರ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡೋದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಗಲಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂಥ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದಂಥವ್ರು ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಪುರ್ಲೆಯವರು. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಪುರ್ಲೆಗೆ ಯಾಕೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದ್ದಾರೆ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನದ ಅನ್ನೋದು ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಪುರ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಷ್ಟು ಈ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಪುರ್ಲೆಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಸತತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಈ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಆದರೂ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೈ ಹಿಡಿತಾ ಇಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಪೂರ್ವಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೆಂದರೆ, ಈ ಸಲ ತಾವು ಶಿಕ್ಷಕ ಇದ್ದಂಥ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಪುರ್ಲೆ ಕೈ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ತಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೆದ್ದಂದರೆ ಹೊರಗೂ ಸಹ ಹೋರಾಟ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ವಿಧಾನಸಭೆ ಒಳಗಡೆ ಸಹ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯದ ಮತವನ್ನು ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಪುರ್ಲೆಗೆ ತಾವು ಕೊಡಬೇಕಂತ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮತ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ.